नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम है द डिफरेंसेस, जिसमें आईपीसी से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं इन रिलेशन टू डिफरेंसेस मैं डिस्कस कर रहा हूँ वन बाय वन। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन थे जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर पीटी मेंस एंड इंटरव्यू इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम द स्टडी आईक्यू जुडिशरी स्मार्ट कोर्स और केस अगर आप दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप सब्सक्राइब करें फॉर जुडिशरी महापैक जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर 16 स्टेट्स जो भी आपके खतरीउंट द लास्ट डेट ऑफ दिस थेफ्ट एंड एक्सटोर्शन सबसे पहला डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन नंबर सेक्शन थ्री सेवन बात करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ऑन द बेस ऑफ मीनिंग थ्री सेवनटी एट में बेसिकली क्या एजेंशियल हैं थेफ्ट के और थ्री एटी थ्री में क्या इजेंशियल है एक्सटोर्शन में अब वो बात करेंगे वन बाय वन तो पहले फोकस करते हैं ऑन थेफ्ट हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली सबसे पहला इजेंशियल ऑफ थेफ्ट दैट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन जी हाँ, व्हिच मींस कि बाय मिस्टेक अगर आप किसी की प्रॉपर्टी ले लेते हैं जैसे कि आपने बाय मिस्टेक किसी का मोबाइल फोन अपने बैग में डाल लिया अपना समझकर सो so इन दैट केस आपकी कोई भी

एनी पर्सन यहाँ पर इस पॉइंट पर भी फोकस कीजिएगा एनी पर्सन जिसका मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास एक बुक है और वो बुक मैंने आपको दे दी आई एम दुक पढ़ने के लिए अब कोई आपके घर आकर अगर उस बुक को ले जाता है तो क्या होगी या नहीं होगी तो आंसर इज यस आप उस बुक के ओनर नहीं थे लेकिन अब भी उसे थे माना जाएगा क्यों क्योंकि वो आपके आउट ऑफ द पोजिशन चले गईनीसन

कि वो आपका थेफ्ट बन जाता है इसमें एक लास्ट इजेंशियल में एक और एग्जांपल मैं आपको एड ऑन कर देता हूं जैसे कि मान लीजिए आप क्लासरूम में हैं और आपने किसी के बैग से uh, कोई बुक निकाल ली है अब वो बुक आपने उसी क्लासरूम में कहीं पे छिपा दी है कि जैसे ही मेरी क्लास ओवर होगी मैं उस बुक को लेकर चले जाऊंगा नाउ इन दैट सरकमस्टेंसेस आपने उस बुक को मूव करके छपा के रख दिया है कि जब स्कूल ओवर होगा तो आप वहां से निकाल लेंगे इन दैट केस इन दैट एग्जाम्पल तभी आपने थेफ्ट कमिट कर दिए क्यों क्योंकि यू मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग और ये क्या कहलाएगा जी ये आपका बन जाएगा थेफ्ट नाउ कमिंग टू द इजेंशियल ऑफ एक्सटोर्शन Whoever intentionally puts any person in fear of any injury, जब आप किसी इंसान को किसी uh, fear of injury देते हैं टू दैट पर्सन और या तो उसी को या किसी और को। कोई और कौन हो सकता है In that person, जो कि उस में रिलेटिव हो. हो, हो सकता है तो इस तरह के एग्जांपल्स आ सकते हैं एक्सट्रोशन में बाकी पे ऑन करने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल एक्सट्रोशन कॉल्स आपने सुनी होगी यू नो वन फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग की uh, मुझे दस करोड़ रुपए चाहिए और अगर आपने नहीं दिए तो मैं तेरे बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा तो अब आप उस पर्सन से क्या मांग रहे हैं दस करोड़ रुपए मांग रहे हैं और नहीं तो आप उसको क्या करेंगे उसके बच्चों को जो है जान से मार देंगे तो वो जो बच्चे हैं वो इसमें आ जाएंगे

एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो रहा है और एक पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है अब जिसके घर से चोरी हो गई उसे क्या होगा रॉन्गफुल लॉस हो गया लेकिन जिसने जिसके पास वो प्रॉपर्टी गई उसे क्या हुआ उसे रॉन्गफुल गेन हो गया दिस ऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन अब यहां पे एक्सटॉर्शन में उसी को डराया जा रहा है कि आप ही डिलीवर कर दो प्रॉपर्टी को टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी एनी प्रॉपर्टी अगेन यहाँ पे डिफरेंस आ गया एनी प्रॉपर्टी यहां पे क्या था सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी था और वैल्यूएबल सिक्योरिटी तो यहां पर वैल्यूएबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी है चैप्टर नंबर टू में सेक्शन नंबर थर्टी में वैल्यूएबल सिक्योरिटी को भी डिफाइन किया गया है ठीक है जी वैल्यूएबल सिक्योरिटी का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं एक प्रॉमिसरी नोट अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को एक नोट लिख के देता है और उस पर लिखता है कि हाँ मैं मिस्टर ए लायबल हूँ आपको टेन लाख ,00 रुपीज देने के लिए और मैं इतने टाइम में आपको पे कर दूंगा और नीचे उसके साइन होते हैं डेट होती है सो दैट इज अ दी नोट अब उस नोट से क्या वो वैल्यूएल सिक्योरिटी होगी आंसर इज यस क्योंकि अब उस प्रोमिसरी नोट में क्या है एक पर्सन का राइट है कि उसे दस लाख रुपए मिलेंगे और एक पर्सन की लाइबिलिटी है और ड्यूटी है कि वो टेन लाख ,00 रुपीज पे ऑन करेगा और एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड कमिट्स एक्सटॉर्शन और एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए कोई आपसे कहे कि आप एक ब्लैंक पेपर पे साइन कर दीजिए तो स्टूडेंट ऑफ लॉ और लॉ ग्रेजुएट आप कभी भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे ठीक है या कोई भी एक समझदार इंसान ऐसा नहीं करेगा लेकिन अगर कोई साइन करके एक प्लेन पेपर पे किसी को दे देता है तो क्या वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी आंसर इज नो क्योंकि उस पर साइन ही तो है वैसे तो वो ब्लैंक है लेकिन अगर आप उसके ऊपर कुछ लिख दिया जाए क्या उसको प्रॉमिसरी नोट बनाया जा सकता है आंसर इज यस क्या उसको किसी और तरीके की वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाई जा सकती है आंसर इज यस डिपेंड कि आप उस सिग्नेचर के ऊपर लिखते क्या है उसके ऊपर सब्जेक्ट मैटर आता क्या है यहां पर ये उसी की बात कर रहा है कि एनीथिंग साइंड और सील्ड जिसपे साइन है या सील है जो कि बन सकता है जो कि कन्वर्ट हो सकता है एक में में तो आपको बहुत सारे differences यहां पे मिल ही गए होंगे जो meaning में है, जो कि कि हैं काफी है, दोनों ही कॉन्सेप्ट एक दूसरे से ठीक है जी अब इसी में और आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट मैटर में क्या सब्जेक्ट मैटर होता है यहां पर भी हमने बात की थी मूवेबल प्रॉपर्टी Theft, कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं हो सकती ठीक है जी हेफ्ट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की ही हो सकती है और मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है जिस प्रॉपर्टी को आप मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्सटोर्शन पार्ट एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मतलब एक्सटॉर्शन मूवेबल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है इसके अलावा वैल्यूएबल सिक्योरिटी की भी हो सकती है और एनीथिंग दैट मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी नेक्स्ट वन इफेक्ट क्या होता है थेफ्ट का इफेक्ट क्या होगा और एक्सटॉर्शन का इफेक्ट क्या होगा व्हेन इट कम्स टू इफेक्ट ऑफ थेफ्ट यहां पे क्या हो रहा है डिसऑनेस्ट रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है कोई चुपके से आया घर में घुसा रूम का ताला तोड़ा उसके बाद अलमीरा ओपन की और वहां से ज्वेलरी कैश या जो भी आपके वैल्यूएबल आइटम्स थे उनको बैग में रखा और चले गया तो यहां पे क्या हुआ डिसऑनेस्ट रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी लेकिन यहां पे क्या हो रहा है द प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड बैक टू दैट सेम एग्जाम्पल अब अगर किसी को एक्सट्रॉशन कॉल आई है कि भाई तेरे बच्चों को जान से मार देंगे तो वो अपने बच्चों की लाइफ बचाने के लिए इस तरह की कोई रिस्क ना लेने के लिए खुद अपने आप दस करोड़ डिलीवर कर रहा है कि आप ही ले लीजिए बट हमें छोड़ दीजिए ठीक है जी सो द प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड मूविंग टू द नेक्स्ट वन कंसेंट जब मैंने आपको थेफ्ट के थे बताए थे तो मैंने कहा था कि अगर आपने कंसेंट दे दिया है जब मैंने आपको कंसेंट दे दिया अपनी बुक मैंने आपको अपनी मर्जी से दे दी है कि आप इसको पढ़ सकते हैं तो और तीन दिन आप पढ़ने के बाद आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या है कैन बी कमिटेड ओनली विदाउट फ्री कंसेंट जब आपका विदाउट कंसेंट होगा ठीक है जी लेकिन जब आप एक्सटोर्शन की बात करते हैं कंसेंट इज प्रेजेंट बट नॉट फ्री कंसेंट कंसेंट तो होता है एक्सटोर्शन में आप अपनी मर्जी से ही दे रहे हो लेकिन फ्री कंसेंट नहीं होता है कंसेंट क्यों नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे फियर ऑफ इंजरी जो है इन्वॉल्व हो जाता है एंड दैट इज पे कंसेंट है बट फ्री कंसेंट नहीं है आप दस करोड़ रुपए तो दे रहे हो अपनी मर्जी से ही दे रहे हो लेकिन क्यों दे रहे हो ताकि बच्चों पे कोई बात ना आ जाए मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड पनिशमेंट देखिए दोनों की पनिशमेंट सेम है दैट इज थ्री इयर्स लेकिन पनिशमेंट के सेक्शंस डिफरेंट है टू दैट अगर कोई थेफ्ट करता है तो उस पर चार्ज लगेगा थ्री का चार्ज हमेशा पनिशमेंट वाला सेक्शन आपका लगता है और एक्सटॉर्शन के तो पनिशमेंट हाँ देखेंगे तो यहां पे भी थ्री इयर्स और विद और है और यहां पर भी थ्री इयर्स और, विद और है. लेकिन सेक्शंस आर डिफरेंट नेक्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ फियर ऑफ एनी इंजरी तो यहां पे नॉट इन्वॉल्व किसी तरह की वेन इट कम्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ तो किसी तरह की fear of injury नहीं है है ये पर लास्ट एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जी ए को एक रिंग मिलती है जो कि जेड की है ऑन द टेबल इन द हाउस विच जेड ऑक्यूपाइज तो Z के घर में एक टेबल है उस पर उसकी रिंग रखी हुई है और वो रिंग किसको मिल रही है ए को मिल रही है रिंग इज इन जेड पोजिशन उसके घर में है उसकी टेबल पे रखी हुई है तो उसी के पोजीशन में है एंड इफ ए डिसनेस्टली रिमूव इट कि रिंग को देख के अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं तो ए हैज कमिटेड कौन सा ऑफेंस किया है जी ए ने हैफ्ट कमिट किया ठीक है नाउ कमिंग टू द एक्सटॉर्शन पार्ट

तो ये थे जी मेजर डिफरेंसेस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन नाउ अ जेंटल रिमाइंडर अबाउट द सुपर लर्निंग डेज सेल तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए तो सब्सक्राइब फॉर जुडिशियल स्मार्ट कोर्स और अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए देन यू कैन गो फॉर महापैक एंड यू कैन ऑलवेज यूज दिस कोड दैट को लाइफ एंड द लास्ट डेट फॉर द सेल इज ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो दट फ्रॉम माई एंड As of now, see you in my next video. Till then, yes, it's time to say.